वेब दुनिया के वीडियो चैनल में अब आप हर सप्ताह देख पाएंगे वेब वार्ता। इस कार्यक्रम में समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णी। वेब वार्ता में आपका स्वागत है। इस सप्ताह का विषय है दिल्ली विधानसभा चुनाव। हमारे साथ हैं जयदीप जी। जयदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जयदीप जी, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का मैजिक देखने को मिलेगा? देखिए जाला जी, अभी तक के जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हों, जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव हों, सभी जगह मोदी मैजिक का लिटमस टेस्ट ही हुआ है और उन्हीं की इज्जत दांव पर रही है। जिस तरीके से उन्होंने रैलियां की हैं, जिस तरीके से सभाएं ली हैं, मैं ये कहूँगा कि बल्कि दिल्ली विधानसभा जो चुनाव हैं वो एक दृष्टि से अहम इसलिए भी हो गए हैं कि उसमें न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि समूची भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लग गई है। जिस तरीके से पूरी पूरी कैबिनेट को, सांसदों को बाहर से बुलाकर इस चुनाव में झोंका जा रहा है, जिस तरीके से प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ी है आखिरी वक्त में, उससे समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर एक तगड़ी चुनौती बनकर उभरी है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात पर अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने लोकसभा चुनावों के साथ ही मई में दिल्ली विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवा लिए। किरण बेदी को इस चुनाव में कहाँ देखते हैं आप? देखिए, किरण बेदी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरी हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, एक चाल है भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में जो मुद्दा है वो बहुत पेचीदा है, सीधे सीधे मोदी लहर पर सवार होकर इस चुनाव को नहीं जीता जा सकता, तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के ही आंदोलन की सहयोगी रही किरण बेदी को मैदान में उतारा। और इसलिए भी उतारा कि वो ये चाहते थे कि सीधा टकराव अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच ना हो, क्योंकि जब शुरुआत की रैली हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, तब उन्होंने देखा था कि उस तरह का रिस्पांस उनको नहीं मिला था। लेकिन हमने अभी हाल की जो ताज़ा रैली देखी है, इसमें निश्चित तौर पर ज़्यादा भीड़ थी। मोदी जी ने आखिरी फेज में अपनी चार रैलियाँ करने का जो अभियान चलाया है, उसकी पहली रैली में जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी है, निश्चित तौर पर वही पुराना उनका जोश भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है, जिस तरह की रणनीति अमित शाह बनाने में लगे हैं, उससे उनको ये समझ में आ गया है कि वो इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मई में जो उनको झटका लगा था, जो सबक मिला था, उससे आगे बढ़ते हुए शायद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को रणनीतिक तौर पर मैदान में उतारने में काफ़ी प्रयास किए हैं पिछले 6 महीनों में, क्योंकि जो दिल्ली से वो भाग खड़े हुए थे पूरे देश को जीतने के उत्साह में, वो उत्साह कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ा, उनकी साख पे बट्टा लगा। अब वो किसी तरह उस साख को वापस प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं। इस बार दिल्ली चुनाव में अभद्र टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, निश्चित तौर पर ये गंभीर मसला है। जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, और कुछ टिप्पणियां भाजपा के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से, प्रचार का स्तर बहुत नीचे गिरा है। और इसमें एक बात झला जी ये समझ में आती है कि दोनों तरफ से जिस तरह से एक बेचैनी है, एक जिद है इस चुनाव को जीत लेने की, इसलिए वो प्रचार के किसी भी स्तर पर जा रहे हैं, जो कि अशोभनीय है। जयदीप जी, क्या आपको लगता है कि इस बार दिल्ली के लोगों को स्थिर सरकार मिलेगी? ये ज़्यादा बड़ा मसला है। मुझे लगता है एक साल तक दिल्ली की जनता ने जो भोगा है वो उनको नहीं भोगना चाहिए था। वो जो राजनीतिक रस्साकशी चली है उसके शिकार हुए हैं। और संभावनाएं तो त्रिशंकु सरकार की बन रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने बराबरी का जोर लगाया है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने भी निश्चित तौर पर कुछ सीटें जीत कर एक अहम भूमिका निभाई थी, और आम आदमी पार्टी की सरकार उनके समर्थन से ही बनी थी। तो इस बार कांग्रेस और भी ज़्यादा हाशिए पर खड़ी नज़र आ रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत की संभावना ज़्यादा है, लेकिन अभी तक तो मुकाबला कांटे का है। और आम आदमी पार्टी की सफलता कम से कम इस बात में तो है ही कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी इतनी बड़ी पार्टी को इस तरीके से चुनाव लड़ने पर विवश कर दिया। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य कहाँ देखते हैं? कांग्रेस पूरी तरह से एक नए तरीके से आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है, और उन्हें इस आत्ममंथन का हल जल्दी ही ढूंढना होगा। कांग्रेस के पास फिलहाल राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन देश के लिए वो कोई विकल्प नहीं है। देश ने ये बता दिया है कि यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप हमारा विकल्प नहीं है, आप पहले विकल्प तलाशिए। जिस तरह की होड़ कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ ने, कृष्णा तीरथ यहाँ आई, जयंती नटराजन ने इस्तीफा दे दिया है, कारण कोई भी रहे हों, कोई और व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, सीबीआई जांच का डर भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस से बड़े नेताओं का यूं भाग खड़ा होना नीचे कार्यकर्ताओं को हताश करता है। अजय माकन को उन्होंने उतारा है, लेकिन उसमें भी देर की है, शुरुआत से रणनीति नहीं बनाई है। अजय माकन की व्यक्तिगत छवि अच्छी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से पार्टी के जिस तरीके से हौसले पस्त हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ी कामयाबी इस चुनाव में नहीं हासिल कर पाएगी। लेकिन
कांग्रेस जिसने 15 साल तक दिल्ली पर शासन किया है, शीला दीक्षित की सरकार रही है, उस कांग्रेस की ये स्थिति होना निश्चित चिंताजनक है। और मैं तो इसके आगे ये बात कहूंगा कि अगर गली मोहल्ले से लेके केंद्र तक हमें एक ही पार्टी की सरकार और एक ही रंग नजर आ रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। हमें ये देखना होगा कि लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता में रहने वाली किसी पार्टी को या सरकार को चुनौती देने वाली आवाज़ें भी उतनी ही मजबूत हों, ताकतवर हों, ताकि लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो और देश की जनता का भला हो। मसलों को लेकर, गलत नीतियों को लेकर आवाज़ उठाने वाले लोग इस देश में होने चाहिए, उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए ताकि कोई भी पार्टी या सरकार निरंकुश न हो पाए। फिलहाल तो दिल्ली का चुनाव एक बहुत मजबूत कश्मकश की स्थिति में पहुंच गया है। वहां पर एक बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस देश के लोकतंत्र का एक रोचक नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी जो अचानक एक आंदोलन से निकलकर उभरी, अचानक उसको सत्ता पे बैठने का मौका मिला, 49 दिनों में सरकार गिर भी गई, उन्होंने पूरे देश को जीतने के ख्वाब देखे, वहाँ से लौटकर वो वापस इस स्थिति में तो आ गए हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार के सभी मंत्रियों को अपना पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर अपनी गलतियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जैसे उन्होंने पिछले चुनावों में कहा था कि हम एक एक उम्मीदवार को छांट के खड़ा करेंगे, लोगों से राय लेंगे, फिर उम्मीदवार तय करेंगे, जनता के पास जाएंगे, SMS से सर्वे करवाएंगे, हमारी बात जनता की राय से अलग नहीं होगी, वो सब बातें कहाँ चली गई, इतने सारे लोग टूटकर अलग क्यों हो गए, ये भी सवाल है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना होगा कि जिस तरीके से रणनीतिक कामयाबी उनको हरियाणा में या फिर झारखंड में या महाराष्ट्र में भी मिली है, उस तरह की रणनीतिक कामयाबी आसानी से दिल्ली में क्यों नहीं मिल पाई। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी। धन्यवाद।